हेलो एवरीवन, टेक आउट योर सिविक्स बुक, ओपन पेज नंबर 40। हियर द चैप्टर 4, की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम यहाँ पे की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे लोगों के साथ इक्वल व्यवहार हो, कैसे लोगों को इक्वल राइट्स मिले और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो। ओपन पेज नंबर 40। अब इस पार्ट में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता और जस्टिस का मीन्स होता है न्याय। मतलब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि लोगों के साथ समानता व्यवहार होना चाहिए और सबके साथ न्याय होना चाहिए। मतलब सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द कमिटमेंट टू द इक्वालिटी एंड जस्टिस। गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही मतलब यही होता है कि हर किसी को इक्वल राइट्स मिले, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनने ये कमिटमेंट दिया है कि हर किसी को समानता व्यवहार मिलेगा, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा और सबके साथ न्याय होगा। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेटेबल। इक्वालिटी और जस्टिस को अलग अलग नहीं किया जा सकता। हमें इस चीज़ को साथ में ही लेके चलना है। सबके साथ समानता ट्रीटमेंट भी होना चाहिए और सबके साथ न्याय भी होना चाहिए। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबल एबिलिटी इज़ नाउ बैन बाय लॉ। पहले के टाइम पे ये होता था कि लोग बहुत छुआछूत मानते थे। लोग बोलते थे कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जो बिल्कुल नीच धर्म के लोग रहते हैं, उनको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनको ट्रेन में, बसेस में चढ़ने नहीं देते थे, ना ही उनको अपने साथ ट्रैवल करने देते थे। लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी। लोग बहुत छुआछूत में बिलीव करते थे। लेकिन ये तो बहुत साल पहले बैन हो चुका है, ये लॉ बैन हो गया है कि अब कोई भी छुआछूत नहीं होगा, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा और हर किसी को उनके राइट्स मिलेंगे और किसी के साथ भी गंदा व्यवहार नहीं किया जाएगा। और अगर कोई भी किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करता है और लोगों के साथ, जो नीच धर्म के लोग रहते हैं, उनके साथ गलत बिहेव करता है, तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको सजा सुनाई जाएगी। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड इक्वेशन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटी एंड इवन द चांस ऑफ ऑफर प्रेयर्स। और इन लोगों को सब फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, भेदभाव नहीं होगा इनके साथ, और इनको इक्वली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और हर किसी के साथ, सबके साथ खड़े होने का इक्वल राइट्स, सबको इक्वल राइट्स मिलेगा और छुआछूत में बिलीव नहीं किया जाएगा। जो भी कास्ट, जो भी धर्म, जो भी रिलीजन के लोग हैं, सबको इक्वली राइट्स मिलेंगे। डॉक्टर अमरेकर, whom you have read about the earlier in the book, and many others like him, realized that such practices may not continue and that justice can only be achieved when the people are treated equally. अगर आपने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ा होगा, तो डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे इंसान हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा अनइक्वल बिहेव किया गया है। मतलब उनको एक्चुअली वो उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया गया है। उनको स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जा सकता था, उनको वॉशरूम नहीं यूज़ किया जा सकता था, उनको जो लोग थे वो बहुत अनइक्वल उनके साथ बिहेव करते थे, उनको चीज़ें यूज़ नहीं करने देते थे, उनको वो कहीं भी जाते थे तो लोग उनसे दूर हो जाते थे, उनको बस नहीं यूज़ करने देती थी। उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो उनके साथ ही नहीं, ये तो हमें एक पर्सन के बारे में पता चला, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं और उनको बिल्कुल ही इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। उनको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकोगनाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द ग्रुप विद इन द सोसाइटी डेट आर अनइक्वल। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सर्वे किया है, गवर्नमेंट इस चीज़ को जानने की कोशिश की है कि कौन सी सोसाइटी में लोगों के साथ अनइक्वल बिहेव किया जाता है। For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy child more than the girl child. एक और example है, अभी हमने डॉक्टर अम्बेडकर बारे में example पढ़ा कि कैसे उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ है, अनइक्वल बिहेव हुआ है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे स्कूल्स बनवाए हैं, ऐसे लॉज निकाले हैं जिससे ये हो कि कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म या कोई भी लोग हो, उन सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको हर जगह जाने का प्रॉपर राइट्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और दिया है कि यहाँ पे जो बॉय चाइल्ड है, जो लड़का है, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनकी ज़्यादा किया जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड के।
दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस वॉज जस्ट अनजस्टिस. पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लड़का और लड़की के बीच में बहुत भेदभाव होता था, हर किसी को लड़का चाहिए होता था, लड़की किसी को नहीं चाहिए होती थी. लेकिन ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, लॉज में बहुत चेंज आया है, लोगों में बहुत चेंज आया है. अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब लोग इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक जैसा ही प्यार करते हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस दैट आर द सब्जेक्टिव टू. डज इट इज़ अ पॉसिबल दैट फीस फॉर द गर्ल्स माइंड बी वेव्ड और लोअर इन द गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस. गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में जो गर्ल्स की जो लड़कियों की फीस होती थी उसे कम किया जाता था. क्यों? क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे अपने गर्ल चाइल्ड को स्कूल में भेजे, उन्हें एजुकेट बनाए, उन्हें एजुकेशन मिले, इसलिए वो लोग गर्ल्स की फ़ीस कम करते थे. क्योंकि पहले के टाइम पे लोग बॉयज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उन्हें ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए गर्ल्स को वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी. इसलिए लोग क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस थे उसमें गर्ल्स की फ़ीस कम कर दी गई, एक स्पेशल सीट रिजर्व कर दी गई कि उन सीट्स में सिर्फ गर्ल्स ही बैठेंगी और उनको भी एजुकेशन मिलेगी. जो पेरेंट्स हैं वो अपने गर्ल चाइल्ड को भी पढ़ाएंगे, उनको भी एजुकेट बनाएंगे. तो इस चैप्टर में इक्वालिटी के बारे में था कि सब किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सबके साथ इक्वल व्यवहार हो और सबको अपने इक्वल राइट्स मिले और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी के साथ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो. ओके, थैंक यू.